आके मोबाइल को अपग्रेड करके प्रीमियम में जाने की, तब एक ही चीज याद आता है, आईफोन। भाई लुक ही कमाल का होता है और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आदमी समझ जाता है कि भाई बहुत ही प्रीमियम मोबाइल इनके पास है। सही बात है। लेकिन जब बात आती है कॉलेज बैकपैक और लैपटॉप बैग्स की, तो भाई हमें प्रीमियम मॉडल्स के नाम पे ये सब मिलते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं समझ में आता कि भाई किस ब्रांड का बैकपैक लें जो कि देखने में एकदम प्रीमियम लगे। लेकिन आज मैं आपको लेकर आया दो जबरदस्त प्रीमियम लैपटॉप कॉलेज बिजनेस बैकपैक, जो कि भाई आपको इतने ज्यादा पसंद आएंगे कि देखने के बाद आपको पक्का मन कर जाएगा कि मेरे पास काश ऐसा बैग तो जरूर से होता। तो फटाक से एक एक बैग को ध्यान से देखते हैं और जानते हैं इनकी खास बातें और इनके फीचर्स और इनकी क्वालिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों में से इस वाले बैकपैक के साथ। तो ये है हमारा पहला बैकपैक जिसका ब्रांड है आर्कटिक हंटर, और इस ब्रांड की खास बात ये कि भाई एक वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड है, और इसमें इतनी सारी खास बातें हैं कि अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं बताया तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अनगिनत चीजें इसमें दिखाने के लिए। सबसे पहले इसकी क्वालिटी देखो, इतना ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी आपको देख के ही पता चल रहा है, चाहे आगे का इसका डिजाइन हो चाहे पीछे के इसके शोल्डर स्ट्रैप्स हो, सब कुछ एकदम हाई क्वालिटी से बना हुआ है। चाहे इसके जिपर्स हो, ये भी एकदम मेटल्स के बने हुए हैं, एकदम प्रीमियम मेटल्स के बने हुए हैं, आप कहीं पे भी इसमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगे इसकी क्वालिटी को लेके। तो इस बैग को अगर वन लाइन में डिस्क्राइब करें तो हम लोग बोल सकते हैं 3-in-1 कन्वर्टेबल ट्रैवल बिजनेस बैकपैक है, जिसे हम लोग बैकपैक की तरह, एक ट्रैवल बैग की तरह और एक हैंड बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं, और कॉलेज बैग और लैपटॉप बैग तो भाई ये है ही, मतलब कुल मिला के भाई ये मल्टीपर्पज बैग इसे बोल सकते हैं। तो अभी इस बैग को डिटेल में देखते हैं। सामने यहाँ पे आपको मिलती है इसका लोगो आर्टिक घंटा का, बहुत ही प्रीमियम है, नीचे आर्टिक घंटा लिखा हुआ है, और सामने एकदम प्लेन लेदर फिनिश है, ये भी एकदम प्रीमियम है, और यहाँ पे जो इसकी चैन यूज करी गई है मेटल की है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है भाई। अब इसके सामने की चैन को ओपन करते हैं, जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चैन के पास एक कवर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बैकपैक को वाटर रेजिस्टेंस भी बनाता है। हमने इसके सामने का पैकेट ओपन किया तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कंपार्टमेंट, वाओ, जिसके लेफ्ट साइड में चैन वाला कंपार्टमेंट है, बीच में दो पेन के लिए कंपार्टमेंट है, और राइट साइड में एक और कंपार्टमेंट है, पीछे एक बड़ा सा पाउच है, और साथ ही की होल्डर भी है। तो ये सारे कंपार्टमेंट हमें मिले इसकी पहली चैन ओपन करने पर। अब इसे कर देते हैं बंद। तो जब हमने इसके दूसरे चैन को ओपन किया तो यहाँ पे हमें फिर से दिखे कई सारे कंपार्टमेंट। इसे हटाते हैं साइड में, तो इसके आगे लगे हुए हैं दो मेस के कंपार्टमेंट, फिर इसके दूसरे साइड हमें मिलता है एक पावर बैंक का कंपार्टमेंट, एक वॉलेट का कंपार्टमेंट, एक टैबलेट का कंपार्टमेंट और एक लैपटॉप का कंपार्टमेंट, और साथ में यहाँ पे एक्स वाली स्ट्रिप भी दी गई है ताकि आपके जो लैपटॉप टैबलेट है अपनी जगह से हिले नहीं, और यहाँ के बीच के स्पेस में आप लोग अपने कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं, काफी ज्यादा स्पेस दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये पूरा 180 डिग्री में भी खुल जाता है। फिर भी अगर आपको इसमें सामान रखने के लिए जगह कम पड़े तो इसमें एक और खास बात है कि भाई ये वाला बैग एक्सपेंडेबल भी है, जैसे सूटकेस नहीं होती एक्सपेंड हो जाते हैं, वैसे ही ये बैग सिंपली इस वाली चैन को ओपन करने के बाद, ये चैन मैंने ओपन करी और अभी देखना कमाल, नॉर्मल साइज इतना, एक्सपेंड हो जाने के बाद ये जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसके फीचर्स कम नहीं होते। यहाँ पे हमें मिलती है एक केबल इसके अंदर के साइड में, ये देखिए, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं पावर बैंक, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है एक USB पोर्ट, जिससे कि आप लोग बाहर से ही अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। और इतना ही नहीं, अभी और मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ कि पीछे के साइड में काफी सारे फीचर्स हैं जो कि कोई देख के नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पे जो शोल्डर स्ट्रैप है तो बहुत ही मस्त क्वालिटी के, लेकिन जब आप इसे यहाँ से खोल देंगे और यहाँ पे अंदर कर देंगे कुछ इस तरीके से, और ये भी जाएगा अंदर कुछ इस तरीके से, और ये वाले हिस्से भी यहाँ पे छिप जाएंगे कुछ इस तरीके से, तब ये बन जाएगा एक हैंड बैग ऐसे, या फिर ट्रैवल बैग कुछ ऐसे। तो है ना कितने सारे फीचर्स, और यही नहीं, इसका जो हैंडल है भाई एल्यूमिनियम का हैंडल है, जो कि इस बैकपैक को अलग ही प्रीमियम फील दे रहा है, और जिसके पीछे के मेस हैं ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, जब आप इसे यूज करेंगे टांगेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा इसे यूज करने में। तो ये था अपना आज का पहला बैकपैक जिसमें आपको मिलेगी 2 साल की वारंटी, और भाई ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो ये देखिए चैन ओपन करने पर इसके अंदर पानी नहीं गया, यानी कि पानी की हल्की फुल्की बौछारों से आपके बैग में रखा हुआ सामान खराब नहीं होगा। इतने सारे फीचर हैं भाई, आपको खुद ही मालूम चल गया होगा। तो बढ़ते अपने अगले बैकपैक की तरफ, और इसमें भी लगभग सेम फीचर वैसे ही वाले हैं, वाटर असिस्टेंट है, 2 साल की वारंटी है, और इसके पीछे ब्रीदेबल पैडिंग है, यानी कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, और स्ट्रैप में भी कई सारी चीजें हैं,
तो अब इस बैग को डिटेल में देखते हैं और जानते हैं इसमें क्या खास बातें हैं जो इस बैकपैक को उस वाले बैकपैक से अलग बनाती हैं। इस वाले बैग में मेन डिफरेंस ये है कि भाई इसमें एक्सपेंडेबल वाली चीज नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि सामने ये वाला कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइजर कंपार्टमेंट है, इसमें आप कई सारी छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं। अगर इसके दूसरे चैन को ओपन करें तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट पैकेट, ये देखिए अपने पैसे वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। इसके जो साइड में लगी हुई है यहाँ पे आप लोग आधा लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं। और इसके पीछे की साइड आपको मिलता है बहुत ही बेहतरीन पैकेट बैग, और इसके पीछे भी आपको मिलता है स्ट्रैप जिसे कि आप अपने ट्रॉली बैग में फंसा सकते हैं और आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसके स्ट्रैप में एक सीक्रेट चैन मिलती है जहाँ पे आप लोग अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे इसके पैक में आपको अपने किसी भी ग्लास को रखने के लिए एक ट्रैश स्ट्रैप भी मिलता है। तो जब हमने बड़ा वाला कंपार्टमेंट ओपन किया तो भाई साहब यहाँ पे जी देखिए पहले वाले बैग की तरीके से अलग हो जाता है और काफी हद तक ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है, कोई भी जरूरत के सामान रख सकते हैं, साथ ही दो पाउचेस मिलते हैं और यहाँ पे एक बकल मिलता है जहाँ पे आप अपने लैपटॉप को रख सकते हैं। इसमें आप लोग अपने दो लैपटॉप्स को रख सकते हैं, एक तो यहाँ पे और एक इसके पीछे वाले मेन कंपार्टमेंट में, ये देखिए। और इसके पीछे वाले कंपार्टमेंट में तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से फोम दिया गया है ताकि आपका लैपटॉप में कोई भी नुकसान ना हो अगर बैग गिर भी जाएगा, कुछ ज़्यादा ही मोटा फोम दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे एक टैबलेट के लिए भी पाउच दिया गया है। तो इतने सारे कंपार्टमेंट हैं इस बैग में। तो ओवरऑल ये बैग भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बैग, चाहे वो ऑफिस के लिए हो, चाहे वो टेक बैग पैक हो, चाहे वो कॉलेज के लिए हो, चाहे वो ट्रैवल के लिए हो, तो जो दो बैग मैंने आपको दिखाए वो तो आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा मैं इस कंपनी के और भी कई सारे बैग के ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर ले सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छे बैकपैक आपको मिल जाएंगे। बात करें बैकपैक्स के प्राइसेस की, तो जो इनका रिसेंट का प्राइस है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी गए, आप लोग ज्यादा जानकारी ले सकते हैं इनको चेकआउट करके। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है दो जबरदस्त एकदम प्रीमियम हाई क्वालिटी के बैकपैक्स जो कि आप अलग अलग तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो वही वीडियो को जरूर से लाइक करो, बाकी के लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि बाकी लोग भी जान पाए कि इतने जबरदस्त क्वालिटी के बैग भी आते हैं जो कि हम लोग अमेजोन से ले सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय। चलो भाई बैक पैकअप।